अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टैट यानी कि रिजल्ट मेथड की असाइनमेंट नंबर 1 सॉल्व करेंगे, जिसके जो मार्क्स हैं वो 10 मार्क्स हैं। और इन्होंने हमें यहाँ एक सिनेरियो दिया हुआ है। द रिसर्चर एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट वेल एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन फ्रांड एंड कंपनी टू कंटेक्ट टू आर स्टडी ऑफ एनालाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ साइकोलॉजिकल फैक्टर इन द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयर द इंस्टीट्यूशन फैक्टर वांट टू एक्सप्लोर। यानी कि उन्होंने एक जो फरहान एंड कंपनी वेल स्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन था, उन्होंने क्या किया कि मतलब मुख्तलिफ हमें या नीचे जो दिए हुए हैं, उन्होंने चार फैक्टर्स दिए हुए हैं, यानी चार वेरिएबल्स दिए हैं। नॉलेज, साइकोलॉजिकल फैक्ट और फैक्टर्स, परफॉर्मेंस एंड इनोवेशन दिया हुआ है। इन फैक्टर्स को हमने बताना है कि कौन सा डिपेंडेंट कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। लेकिन असाइनमेंट सॉल्व करने से पहले हमें आपको बताऊँ कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो अफेक्ट करता है वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल ऐसा वेरिएबल होता है जो किसी दूसरे को अफेक्ट तो करता है, लेकिन खुद उस पर किसी का असर नहीं होता। जैसे कि यहाँ हमने बताया कि मेन जो चीज़ है वो हम कर रही हैं, सर्च कर रही हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर, यानी कि सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर जो है हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो अफेक्ट कर रहा है परफॉर्मेंस को, परफॉर्मेंस ऑफ इट एम्प्लॉयर को, यानी कि यहाँ हमें उन्होंने पता चल गया साइकोलॉजिकल फैक्टर हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और दूसरा जो परफॉर्मेंस है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। उसके बाद हमारे पास है मिडरेटेड वेरिएबल, मोडरेटेड वेरिएबल। मिडरेटेड वेरिएबल में ये होता है कि जब ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों ही इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान में आता है। लेकिन फ़र्क ये है कि मिडरेटेड जो वेरिएबल होता है, जब वो दरमियान में आता है तो इनका जो रिलेशन होता है डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल का और वाजिया हो जाता है। लेकिन मॉडरेटेड वेरिएबल का ये होता है कि जब ये दरमियान में आता है तो पहले मॉडरेटेड वेरिएबल को अफेक्ट करता है, देन जो है हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट करता है। यहाँ अगर हम देखें तो मॉडरेटेड जो हमारे पास वेरिएबल है नॉलेज शेयरिंग है। देखिए, अगर हमारे पास नॉलेज शेयरिंग होगी तो हमारी जो सोचने का फैक्टर होगा वो भी चेंज होगा और हमारी परफॉर्मेंस भी चेंज हो जाएगी, इसलिए ये मॉडरेटेड वेरिएबल। और इनोवेशन में आप अगर देखें तो इनोवेशन में क्या है जी, हमारे पास डायरेक्ट अफेक्ट कर रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, क्योंकि परफॉर्मेंस इनोवेशन होगी यानी टेक्नोलॉजी वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल होगी, बेहतर तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल होगा, तो हमारी परफॉर्मेंस में डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये देखिए, लेकिन अगर हम लोग साइकोलॉजिकल फैक्टर और नॉलेज शेयरिंग में इतना वो अफेक्ट नहीं कर रहा। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी। थैंक फॉर वॉचिंग। लेकिन जाने से पहले अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।